जय हिंद। तो हम सितंबर में आ गए हैं एंड लेट्स सी फर्स्ट सितंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। अगस्त का जाते जाते बहुत कुछ करके जाएगा अगस्त का महीना, सो लेट्स सी सितंबर का महीना कैसा शुरू होने वाला है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन द मंथ ऑफ सितंबर। हाउ विल द मंथ बी मंथ ऑफ सितंबर 2022 गाइड्स एंजल्स, किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्या हमें मिलने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं। और कंप्लीशन ऑफ अ पिक्चर इज वन थिंग जो मुझे दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर द शुरुआत जो है ओके सो काफ़ी अनसेटल्ड एनर्जी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ सितंबर की शुरुआत जो है थोड़ी सी स्लीपलेसनेस से है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको वरी कर रही थी, आपको एंग्जाइटी दे रही थी, समबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। कोई आ रहा है जो उन सारी चीजों को, उन सारे कौओं को, बुरे कौओं को भगाने की एनर्जी रखता है। 9 और 10, और ये कांस्टेंट है एनर्जी, 9 और 10 कांस्टेंट एनर्जी चल रही है इस हफ्ते की। और ये एनर्जी जो है ये हैप्पीनेस लेकर आ रही है, एक नई सुबह लेकर आ रही है, एक नई बिगिनिंग लेकर आ रही है, जहां पे यू आर गोइंग टू प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट ऑन मेनी थिंग्स। अब यहां पे 9, 10 के बाद 8 की एनर्जी है, यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन मेनी थिंग्स। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि कोई चीज जो है वो कंप्लीट होने वाली है, किसी चीज में आपकी इंट्यूशन कुछ बताने वाली है, एक कंप्लीट पिक्चर आप देखने वाले हो। एंड देन देयर इज अ सनराइज एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल मोरपंख है यहाँ पर, और वो उसके साथ बंद कर सूरज की तरफ जा रही है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। अगेन 10 की एनर्जी है, 8+2 भी 10 की एनर्जी होती है, तो यहाँ पर मुझे पूरी फुल 10 एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है इस वीक में। मतलब 10 की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। 9+1 10, 8+ पेज जो है 11 होता है, तो 2 हो गया, 8+2 10, एंड 19 जो है फिर से 10 की एनर्जी बनता है। सो दिस इज लाइक ये दिन जो है फर्स्ट सितंबर का थोड़ा सा अप डाउन वाला दिन होगा, थोड़े से इमोशंस इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि हो सकता है रात को नींद पूरी ना हो, सकता है सुबह हेडेक हो जब उठे, हो सकता है अचानक से गेस्ट आ जाएं, हो सकता है अचानक से आप स्टक फील करो कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे करूंगी, एंड देन सडनली एक हेल्प मिल जाए, एक पिक्चर कंप्लीट हो जाए, एक किसी तरह की अच्छी न्यूज मिल जाए, एंड सडनली यू फील दैट ओ दिस डे वाज वेरी वेरी गुड। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूँ, ऑन द बिगर लेवल, तो बिगर लेवल पे किसी तरह की कोई मनी ट्रेल से रिलेटेड गिरफ्तारी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो अरेस्ट होगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी लेकर आएगा। मतलब दिस अरेस्ट इज गोइंग टू लीड टू समबडी वेरी बिग। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 सितंबर को कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ऑल्सो मुझे ये एक और एनर्जी जो लग रही है वो कैचिंग ऑन टू समबडीज रिफ्लेक्शन, मतलब किसी की रिफ्लेक्शन कैच करना, मतलब कि किसी पर्सन को, किसी पर्सन तक पहुंचने से पहले कई बार उसकी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी की तरफ पहुंचना पड़ता है, या रियलाइज करना कि कोई अपने आप को जिस तरह से दिखा रहा है उस तरह से नहीं है, उस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। बट ये डेफिनेट है कि किसी तरह की पिक्चर जो है कंप्लीट होगी, किसी तरह का टास्क जो है कंप्लीट होगा। बच्चों को लेकर कोई रिवलेशन हो सकती है, लेकिन बच्चों को लेकर ध्यान भी थोड़ा सा रखना है, बेबी का होना या कुछ ऐसा, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं थोड़ी सी। लेकिन देर इज अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग, देर इज डेफिनेटली अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। कोई एक चीज जो आपकी इंट्यूशन आपको काफी टाइम से बोल रही थी, लेकिन आप शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपको उसका प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा था, एंड द एनर्जी इज जैसे वो प्रूफ जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, या वो जो रियालिटी टच है वो सामने आना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद मच मोर क्लैरिटी। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव, क्योंकि ऑल 10 एनर्जी आई है ऊपर। फर्स्ट सितंबर गाइड्स एंजल्स, फर्स्ट सितंबर 2022, व्हाट एल्स, ओके नाउ दीज आर टू मेनी, सो आई विल शफल अगेन। व्हाट एल्स ऑन फर्स्ट ऑफ सितंबर गाइड्स एंजल्स, और फर्स्ट ऑफ सितंबर को लेकर क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है फर्स्ट ऑफ सितंबर 2022। ओके सो 1 सितंबर 2022, कुछ एनर्जीज जो हैं वो पिछले दिन से फ्लो हो रही हैं। सो शुरुआत जो है वो अगेन सिमिलर एनर्जी से है, जैसे वहां पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां पे इल्यूजन, अनक्लैरिटी,
कंफ्यूजन, मैं ये लूं या वो लूं, ये सही है या वो सही है, ये करना है या वो करना है, उस तरह की एनर्जी है। उसके बाद सेकंड एनर्जी जो है फाइव ऑफ पेंटिकल की है, जहां पे हेल्प हेल्प के पास आप पहुंच जाते हो या हेल्प तक आप पहुंच जाते हो या सामने एक बेटर सिचुएशन है आपके। और थर्ड एनर्जी जो है वो सिमिलर है, जहां पर वो हेल्प आप लेकर आगे बढ़ते हो फिर से। और वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो एक तरह से एक नई एनर्जी है, एक नए वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी कंप्लीशन, किसी हैप्पीनेस को फील करने की एनर्जी है। और उसके बाद देन देयर इज सन कार्ड फिर से 19 नंबर, एंड लास्ट देयर इज एस ऑफ सोर्ड्स, जहां पे वो स्वॉर्ड लेकर अपनी खड़ी है और बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। शी इज कंप्लीटेड समथिंग, शी इज गॉटन समथिंग, शी इज गॉट होल्ड ऑफ समथिंग। और यहाँ पे इफ यू सी द एनर्जी, थ्री बनता है ये एस है, फोर हो गया और ये वन फाइव हो गया। तो फाइव की एनर्जी जो है किसी स्ट्रगल के कंप्लीट होने की एनर्जी है। यहां पर भी मुझे दिन जो है दो हिस्सों में तब्दील दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, अनक्लैरिटी हो सकती है, आप किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी चीज को कंप्लीट कर आगे बढ़ सकते हैं, या किसी चीज की कंप्लीशन अधूरी रह जाए और उसके लिए आपको आगे बढ़ के कुछ ढूंढना पड़े, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन वो कंप्लीशन भी सेम डे में हो जाएगी और किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का विन विन फील करना, किसी तरह की विक्ट्री फील करना, वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे फिर से दूसरे काज के बाद भी इस तरह से लग रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, जैसे मैंने बोला कि इस हफ्ते में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहां पे आप छोटी सी गलती से कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और कोई भी जर्नी, घर से बाहर जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपने एक बार चेक जरूर करना है घर को, चीजों को, लॉक ठीक से लगा कि नहीं, गैस ठीक से ऑफ है कि नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक्चुअली इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है कई बार। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप में से कोई ट्रैवल के लिए या हॉलीडे के लिए या कहीं घूमने के लिए जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी 1 सितंबर को मुझे लग रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट गीता कार्ड से। और 1 सितंबर गाइड्स एंजल्स, फर्स्ट ऑफ, ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आए, जो दूसरी तरफ गिरे वो मैंने हटा दिए और यहाँ पर जो आया वो मैं ले रही हूँ। बेस्ट ऑफ योगीज, अगेन वो डिवाइन एनर्जी। सो मुझे लगता है कि जिस दिन बेस्ट ऑफ योगीज की एनर्जी आई है उस दिन यही कार्ड्स आए हैं सिमिलर पीछे भी, तो कुछ एक रेप्लिकेशन ऑफ डे हो सकता है, लेकिन इट फील्स लाइक द प्रोटेक्शन इज देयर, द एनर्जीज आर देयर। दिस इज 647 और 611 टोटल 8 स्ट्रेंथ। और जब आपके अंदर फेथ होता है तो डिवाइन जो है वो आपके साथ कनेक्ट करता है, उसी तरह की एनर्जी है। जैसे अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, अगर आप नेगेटिव नहीं होते हो, रिफ्लेक्शन से नहीं डरते हो, पिक्चर को कंप्लीट देखते हो, तो डिवाइन आपके साथ है, हैप्पीनेस आपके साथ है, अच्छी एनर्जी आपके साथ है, किसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके साथ है। तो कुछ जो है वो बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर, 1 सितंबर लेकर आएगा। दो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज होंगी, थोड़ी सी कुछ थोड़ी सी एनर्जीज होंगी कन्फ्यूजन वाली। दिन जो है वो थोड़ा ऐसा अधूरा सा लग सकता है, कुछ चीजें ऐसा लग सकता है कि पूरी नहीं है, कुछ चीजें थोड़ी सी कट करनी, थोड़ी नेगेटिविटी कट करनी पड़ेगी, तो उस तरह की एनर्जी है। क्योंकि एक ही रैकेट है, उसके साथ खेल नहीं सकते, राइट। सो दूसरा चाहिए, तो अपना काउंटर पार्ट ढूंढने की एनर्जी या वो काउंटर एनर्जी ढूंढने की एनर्जी, एक बॉल चाहिए, एक दूसरा रैकेट चाहिए, तभी आप खेल सकते हो, बट एक अकेले से नहीं खेल सकते हो। लेकिन ये मुझे ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, वो आता है ना वो मक्खी या मच्छर मारने वाला जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो ऐसे करके आप वो करते हो, तो कहीं इंसेक्ट्स, नेगेटिविटी खत्म करने की एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है। दिस इज लाइक गोइंग टुवर्ड्स डिवाइन एंड कटिंग ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। तो डू दैट, कट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, हो सके तो अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी जो है कट कर दीजिए 1 सितंबर को। डिटरमाइन हो जाइए अपने आप को, प्रॉमिस कर दीजिए कि आज के बाद कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं, और डिवाइन एनर्जी या एंजल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। और देखते हैं 2 सितंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 2 सितंबर